नमस्कार दोस्तों, मैं सोम बीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक सोमा। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे ऑफर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को Redmi 9A स्पोर्ट ये वाला फ़ोन 2GB 32GB वाला आप 5,500 रुपये में ले पाओगे, 5,500 रुपये में आप इसको परचेज़ कर पाओगे। और ये एक जियो एक्सक्लूसिव ऑफ़र है, यानी कि जियो की तरफ से और ये जो रेडमी की तरफ से मिल के ये ऑफ़र आ रहा है। तो इस वाले ऑफ़र में इसको 5,500 रुपये में कैसे खरीद पाओगे और जियो एक्सक्लूसिव ऑफ़र के जो भी मिथ होते हैं या फिर डाउट होते हैं वो भी आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आगे भी आप लोगों को इसी टाइप के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो ये ऑफ़र अभी के टाइम पे मुझे रिलायंस डिजिटल पे दिखाई दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए। और कुछ लोग बोल भी रहे थे, अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो बनाया था जिसमें एयरटेल एक्सक्लूसिव वाला जो रियलमी का C30 फ़ोन है उस पर मैंने एक वीडियो बना के दिया था। तो मैंने सोचा ये जो जियो एक्सक्लूसिव ऑफ़र है इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए, ये वाला ऑफ़र कैसे काम करेगा या फिर कैसे जियो एक्सक्लूसिव का जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो कैसे काम करती हैं वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा इस वाले ऑफ़र का या फिर इस वाले डिवाइस का, ठीक है। तो आप लोगों को लिंक पे क्लिक करके आप चले जाओगे रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर, ठीक है। इस वाले फ़ोन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के टाइम पे 6499 रुपये का ये वाला डिवाइस मिल रहा है, 2GB 32GB वाला। और ये दो तरीके का होगा, एक नॉर्मल भी होगा और एक जियो एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। तो वो पता कैसे लगेगा, जब आप इस फ़ोन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पे फ़ोन का नाम आता है, पहले नाम के बाद में आप लोगों को कॉलम लगा के वहाँ पे लिखा होगा जियो एक्सक्लूसिव, ठीक है। 6499 का है, 2GB 32GB वाला। कोई भी कलर अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कार्ट में डाल सकते हो। कार्ट में डालने से पहले इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस है ना जियो एक्सक्लूसिव में क्या बेनिफिट होगा या फिर क्या हमें करना होगा वो समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनके ऑफर पेज पे आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इस वाले फ़ोन को जियो एक्सक्लूसिव में लोगे तो आप लोगों को 750 रुपये का फ्लैट इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे लिखा है। 250 रुपये का आप किसी भी बैंक से पेमेंट करोगे तब मिल जाएगा, प्लस आप लोगों को 750 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा जियो एक्सक्लूसिव ऑफर से। जियो एक्सक्लूसिव ऑफर कैसे लिया जाएगा वो सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को जो पेमेंट वाला ऑफर है वो समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहीं पे एक जो 750 रुपये कैशबैक वाला ऑफ़र दिखाई दे रहा है जियो एक्सक्लूसिव का, उसी की टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद में इसकी सारी टर्म एंड कंडीशंस आप लोगों के सामने आ जाएंगे, कैसे ये 750 रुपये हमें मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप शॉपिंग करते हो उसी तरीके से शॉपिंग करो। शॉपिंग करने के बाद में ये वाला फ़ोन आपके घर पे डिलीवर्ड होगा। डिलीवर्ड होने के बाद में इसमें सबसे पहले आप लोगों को जियो की सिम डालनी होगी, सिम स्लॉट वन में, ठीक है। स्लॉट वन में सिम डालोगे जियो की, आपकी पुरानी सिम हो वो भी चल जाएगी, नई सिम ले कर डालो वो भी चल जाएगी। पहले नंबर में डाल के आप लोगों को सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में एक नंबर से वहाँ पर साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इसके होम पेज पर 3 लाइंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसमें जाओ। उसमें जाने के बाद में एक जियो एक्सक्लूसिव करके ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इस वाले ऑफर की सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। अगर आपने ये वाला डिवाइस खरीदा होगा तो यहाँ पे एक ऑफर अनलॉक हो जाएगा या फिर ऑफर शो होने लगेगा आप लोगों को, जिसमें बताया जाएगा 750 रुपये का कैशबैक आप लोगों को मिल जाएगा। वहीं पे जो आपके IMEI नंबर होते हैं वो आ जाएंगे, प्लस OTP वगैरह दे के आप इस वाले को पैसे को ले सकते हो अपने किसी भी UPI ID में, ठीक है। चाहे वो फ़ोनपे की UPI ID हो, गूगल पे की हो, किसी की भी हो, आप UPI ID डाल दोगे, 750 रुपये का आप लोगों को कैशबैक मिल जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। अब 750 रुपये का ये कैशबैक मिल गया, इसके साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, वो आप जब इसको एक्टिवेट करोगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे कि किसी अदर प्लेटफॉर्म के शॉपिंग प्लेटफॉर्म के वाउचर्स भी मिल सकते हैं आप लोगों को, और कई सारे सब्सक्रिप्शन भी मिल सकते हैं, तो वो आप एक बार जाके वहाँ पर देख सकते हो। जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तब आप लोगों को पता लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन लोगों ने 750 रुपये का कैशबैक दे दिया, कुछ और भी बेनिफिट दे दिए, लेकिन इनके कुछ रूल्स या फिर टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना होगा हर हाल में। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ये आपके फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, और ये लॉक परमानेंटली नहीं होगा, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इनके रूल समझ लेते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी अपने साइट से जाके अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद ही लेना, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप लोगों को इस वाली जो डिवाइस को आपने लिया है मिनिमम 30 महीने तक आप लोगों को इसमें एक सिम चलानी होगी जियो की, वो भी सिम स्लॉट वन में, ठीक है। 30 महीने तक चलानी ही होगी तब आप इसको आज़ाद कर पाओगे, कहने का मतलब ये है।
30 महीने तक रेगुलरली और हर महीने मिनिमम 199 रुपये का रिचार्ज करवाना है। पिछले वाले ऑफर में मैंने बताया था एयरटेल वाले में कुछ लोग बोल रहे थे कि हर महीने 199 ना करवा के हम 2 महीने का कर लें 3 महीने का कर लें तो वो भी काम कर जाता है। मिनिमम आप लोगों को 199 रुपये का रिचार्ज करना होता है हर महीने, या हर महीने भी ना करो जब भी आप लोगों का रिचार्ज ख़त्म हो जाए तब, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 40 दिन का कर लिया या फिर कितने भी दिन का कर लिया, 2 महीने का 3 महीने का कर लिया, वो रिचार्ज आपका ख़त्म हो जाएगा तो अगला जो रिचार्ज करोगे वो 199 रुपये या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। और मेन जो डाटा चलेगा आप लोगों का एक नंबर वाली सिम से ही चलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक नंबर स्लॉट में डाल के रखना, दूसरी सिम डाल सकते हो, चला भी सकते हो, लेकिन आप लोगों को ये वाला रूल फॉलो करना होगा कि एक नंबर से ही आप लोगों को डाटा चलाना है और इसको अपनी प्राइमरी सिम बना के रखना है। एक नंबर वाली को जियो वाली आप डालोगे, सेकेंडरी आप जियो की डालो या फिर किसी अदर ऑपरेटर की डालो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जियो की आप लोगों को एक नंबर में डाल के रखनी पड़ेगी 30 महीने तक, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, 30 महीने तक नहीं रखते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप पे कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि, लेकिन हाँ यहाँ पे बताया गया है अगर आप ऐसा नहीं करते हो 30 महीने तक अगर आप फॉलो नहीं करते हो जो इन लोगों ने बताया है रिचार्ज करके रखना है, बस इतना ही तो करना है, जो कि नॉर्मल सी बात है, हर कोई रिचार्ज तो करता ही है और जियो की सिम ज़्यादातर चल ही रही है आज के फ़ोन में, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। लेकिन हाँ अगर आप नहीं कर पाते हो, ऐसा रिचार्ज नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों को 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर जैसे मान के चलो आज रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो आज रिचार्ज ख़त्म करने के बाद में आप लोगों को 30 दिन का टाइम और मिलेगा, रिचार्ज करवा लो। अगर आप 30 दिन तक रिचार्ज नहीं करवाते हो तो वो फ़ोन आपका लॉक हो जाएगा, और लॉक हो जाएगा वो दोबारा से रिचार्ज करवाओगे तो दोबारा से अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। बाकी अगर आप लोगों को लगे कि ये वाले प्लान अगर नहीं हमें सही लगा, आगे चल के महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जाके आप लोगों को ऐसा लगे कि ये प्लान हमको नहीं लेना है, या फिर जियो एक्सक्लूसिव वाला ऑफ़र है नहीं लेना है, ये बकवास ऑफ़र है, तो आप लोग इससे एग्ज़िट भी कर सकते हो। एग्ज़िट करने का आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पर, ठीक है। तो वो चार्ज क्या है वो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन दिखाई दे रहा होगा। अगर 6 महीने से पहले इस वाले ऑफर से एग्जिट होते हो तो आप लोगों को 900 रुपये से ऊपर कुछ प्राइसिंग देनी पड़ेगी। अगर आप 6 महीने से 12 महीने के बीच में इस वाले ऑफर से एग्जिट होते हो तो आप लोगों को 700 रुपये से ऊपर कुछ प्राइसिंग देनी होगी। अगर आप 13 महीने से 18 महीने के बीच में निकलते हो इस वाले ऑफर से, तो आप लोगों को 500 रुपये से ऊपर देनी होगी। बाकी यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि इन वाले जो एक्सक्लूसिव वाला ऑफर है जियो एक्सक्लूसिव, इससे अगर आप एग्जिट करते हो तो आप लोगों को कुछ पेनल्टी के तौर पे अमाउंट देना होगा। अमाउंट देने के बाद में जो आपका फ़ोन होगा वो फ्री हो जाएगा, कोई भी आप पे प्रेशर नहीं रहेगा कि आप रिचार्ज करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं करना होगा, आपको पेमेंट इतने की कर देनी होगी। अगर आप 30 महीने तक कंटिन्यू कर लेते हो रिचार्ज करके और इस वाले फ़ोन को, तो आप लोगों को वो भी पेमेंट वगैरह भी देने की, पैसा वगैरह जो पेनल्टी है वो भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद में 30 महीने के बाद आप कोई भी सिम यूज़ करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब ये तो हो गया 750 रुपये ऑफ़ वाला, ठीक है। मैंने बोला था कि आप 5,500 रुपये में ख़रीद पाओगे 6,500 रुपये का जो फ़ोन है, तो उसके लिए आप लोगों को 250 रुपये का ऑफ़ यहाँ पे अगर आप रिलायंस डिजिटल से कोई भी ऑर्डर करते हो अभी के टाइम पे, और वो आप लोगों को ऑर्डर करना होगा क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से, तो आप लोगों को 250 रुपये का इंस्टेंट ऑफ़ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जब पेमेंट करने जाओगे इस फ़ोन की, तो आप लोगों को क्या है कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लेना है और उससे आप लोगों को पेमेंट कर देनी है, ताकि आप लोगों को 250 रुपये का इधर से ऑफ़ मिल जाएगा। 750 रुपये आप लोगों को माई जियो के अकाउंट से जो ये वाला जियो एक्सक्लूसिव ऑफ़र लोगे उससे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 1,000 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, 6,500 रुपये का फ़ोन आप 5,500 रुपये में खरीद पाओगे, ठीक है। बाकी और भी कई सारी इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो अच्छे से जाके पढ़ लेना। मेन यही है कि आप लोगों को सबसे पहले इस वाले फ़ोन को ऑर्डर करना, सिंपल सा फ़ोन आएगा सादा सा। अगर आपको इसको जियो एक्सक्लूसिव वाला ऑफ़र लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो वो भी छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को जियो एक्सक्लूसिव वाला ऑफ़र लेना है ही है, तो आप लोगों को यहाँ पे जब फ़ोन ख़रीद रहे हो तो वहाँ पे उसके नाम के पीछे जियो एक्सक्लूसिव ज़रूर लिखा हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगर फ़ोन आता है तो उसके बाद में आप एक्टिवेट कर लो जियो एक्सक्लूसिव वाला ऑफ़र और उसको कंटिन्यू करो 30 महीने तक, आपका फ़ोन भी फ्री हो जाएगा 30 महीने के बाद, और आप लोगों को 750 रुपये प्लस और भी बेनिफिट हैं इसके वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को इस ऑफ़र के बारे में सारी डिटेल्स समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हो तो नीचे कॉमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहना।